नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। लोहरदगा के होटल नोवेल्टी स्वे काजल दत्ता स्व अनीता दत्ता सभागार में बुधवार को भाजपा पिछड़ा जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय चौधरी की अध्यक्षता में कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। वहीं बैठक में पिछड़ों के उत्थान पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को दलित, पिछड़ा व समाज के अंतिम जन तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने का निर्देश दिया गया। यह जो बैठक आयोजित की गई है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला लोहरदगा के तत्वावधान में और जिसकी अध्यक्षता हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष संजय चौधरी जी कर रहे हैं, और यह संगठन को दुरुस्त करने के दृष्टिकोण से यह बैठक है। और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जो पिछले दो सत्रों से मोर्चा का गठन हुआ है, यह सातवां मोर्चा है। और हमारी आबादी, जैसे कि हमारे वरीय नेता, राष्ट्रीय नेता श्रीमान देवनारायण प्रजापति जी ने आपसे कहा कि हम लोग यहाँ पर 55% रहते हैं, निवास करते हैं, विभिन्न जातियों में हैं, सबों को एकजुट कर और ओबीसी के हक के लिए हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। उनकी जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। और आपको मालूम होगा कि जिला रोस्टर में लोहरदगा जिला को आरक्षण में शून्य रखा गया है, और इस के निमित्त हम लोगों का आंदोलन जारी है पूर्व से, और आज इस बैठक में बहुत सारी बातें सामने आएंगी। और हम लोग जो आरक्षण का मसला है, राज्य नियोजन में 27%, और हमारा आबादी के अनुसार जो हमारी मांगे हैं लोहरदगा जिला में, हमारी पिछड़ी जातियों की जितनी आबादी है उसके आधार पर जिला रोस्टर नियोजन में उनका भी पूरा हक मिले, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और इसके लिए गोलबंद हम लोग होंगे। और आपको यह भी विदित होना चाहिए कि जसवी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी जब सत्तारूढ़ थे तो उन्होंने ओबीसी की आबादी का सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया था, जिसको ये सरकार ने बंद कर दिया है, और जिसके चलते ओबीसी में काफ़ी निराशा है, हताशा है। इस वर्तमान सरकार, झूठ और फरेब पर बनी सरकार, हेमंत सरकार के विरोध में पूरा ओबीसी एकजुट होकर के उसके विरोध में आंदोलन भी करेंगे और उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। बस यही अपना मूल उद्देश्य है कि ओबीसी हित की बात और साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो मूल नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये इस निमित्त हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और प्रदेश जिला कार्य समिति हमारी आज चल रही है। भाजपा लोहरदगा जिला ओबीसी मोर्चा का आज बैठक है और पूरे राज्य में यह बैठक चल रहा है, पूरे देश में यह बैठक चल रहा है। आजादी के बाद से कांग्रेस ओबीसी के लोगों को ठगने और छलने का काम अब तक किया है। 6 अगस्त 2018 को मोदी जी भाजपा पिछड़ी जाति मोर्चा का, पिछड़ी जाति मोर्चा आयोग का गठन करके जो भी ओबीसी का समस्या पूरे देश के लोगों को है उसका निदान करने के लिए एक मजबूत आयोग बनाए हैं। और आज मोदी जी यह बात प्रमाणित कर दिए, आज से 2 महीना पहले केंद्र में एक साथ ओबीसी के 27 मंत्रियों को केंद्र में जगह दिए, केंद्रीय मंत्री बनाए और ओबीसी को बहुत बड़ा तोहफा दिए। आज पूरा देश मोदी जी के विचारों से मोदी जी के तरफ देख रही है, और जो भी अन्य दल के लोग इस देश में, इस राज्य में ठगने और छलने का काम कर रहा है, खास करके झारखंड में जो हेमंत का सरकार, दगाबाज सरकार इसको कह सकते हैं, धोखेबाज सरकार कह सकते हैं,
जो लोगों को छलने का काम किया है उसे इस बार हम लोग ओबीसी के लोग जो पूरे देश में 52% और झारखंड में 55% से अधिक हम लोग रहते हैं इसको कबाड़ कर फेंकने का एक हम लोग पूरा संगठित होने का कार्यक्रम चला रहे हैं और पूरे राज्य में यह कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग जहां भी ओबीसी के लोग हैं उनके एक एक घर तक हम लोगों को टच करना है और केंद्र सरकार के द्वारा जितना भी योजना चलाया जा रहा है और राज्य सरकार इसके पूर्व जो रघुवर दास की सरकार ने इस राज्य के लिए काम किया है उन सारे कामों को उनके दिमाग में फिर से हम लोग दोहराएंगे और जो दूसरे दल में को वोट देते हैं उन वोट को अब एक दल में सिर्फ और सिर्फ भाजपा में ओबीसी के लोग देंगे। इस निमित्त हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे देश में और अपने पूरे राज्य में। हम लोग कह सकते हैं कि ओबीसी को बहुत ही मजबूत बनाना है और आने वाला दिन में इसका परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। जो वर्तमान सरकार चल रही है इसको कबाड़ कर हम लोग फेंकने में कामयाब होंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना बात को विराम दें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।